अब माइस को जो तीन पे आपे लगे जगह आने मंचे जपा जो लिंगा कुटी जगह रिका इनते नेपा सुए सुए ते आपे नहीं तो पैसा दे 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 चलिए यहाँ पे आप दूसरी सेमीफाइनल के लिए इनके बीच ये मुकाबला जो है शुरुआत हो चुका है। आकाश पूर्ति के द्वारा संचालन का ये कार्य बहुत बेहतरीन। यहाँ पे गेंद को डायरेक्ट खिला रहे थे डिफेंडर के खेमे में, डिफेंडर भी अच्छी पारी के साथ आघात हुई है। फिलहाल गेंद लगाती हुई मैदान के दक्षिणी दिशा वाली टीम के खिलाड़ी के पास, लेकिन उनसे छीन लेने में सफल जर्सी नंबर 12 जो कुंभता से अच्छी कवरिंग। यहाँ पे जर्सी नंबर 7 क्या कमाल की कोऑर्डिनेशन बैठाते हुए पेनाल्टी एरिया के काफी करीब, लेकिन हाथ को उठा करके ये संदेश की गेंद छू गई गोल लाइन को और गोलकीपर के लिए मिलता हुआ लाभ थ्री पॉइंट्स की टीम को। एक अच्छा पैगाम है रोमांच कर देने वाली, जो पहले फर्स्ट सेमीफाइनल के लिए जिस टीम की भिड़ंत हुई इस मैदान में और एक गोल अपनी प्रतिद्वंदी टीम को देकर अपने टीम को इस शान के साथ अधिक करा दी है कि 2021 के लिए शाइनिंग स्टार क्लब कुमरम के इस ऐतिहासिक मैदान में मैं अंतिम खेल के लिए मुकाबला होऊंगा, जो महामुकाबला के लिए तैयार फिर से होती हुई नजर आएगी। सूरज जी, और इसलिए हम कहते हैं दोस्त, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अब खुशी के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर एक टीम ने फाइनल अपना जगह बना चुकी है, वो कहीं ना कहीं राहत के सांस लियो के साथ। और मटकंडी के खिलाड़ी थोड़ी से मन में हताश हो गए, क्योंकि उतनी अच्छी मैच के खेलने के बाद उनके टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। लेकिन इस बार चलते हैं जश्न नंबर 12। पिछले मैच में शानदार उन्होंने खेल का प्रदर्शन दिखाया था, हाफवे लाइन के आसपास पैरों का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर ट्रीप मैच शानदार पास लेफ्ट डिफेंडर जश्न नंबर 4 के लिए, जश्न नंबर 4 ने खिलाड़ी को बीट किया, आंखों दिशा रहा जश्न नंबर 5 के लिए। मधुरेखा को पार करने के बाद 5 नंबर के खिलाड़ी तेजी रफ्तार से क्या शॉट करेंगे, लेकिन पास उन्होंने खेला है साथ ही टीम कहने की 8 नंबर के लिए पूजू के नाम से जाने जाते, काफी लंबे कद के डिफेंडर हैं। इस बार डिफेंडर आगे की ओर आ चुके, उन्होंने शूट आउट किया, आप देख सकते हैं मनोज जी राय जूनियर के लिए, लेकिन मौका था गोल लाइन के क्षेत्र से, उन्होंने उनको टारगेट पर डालना चाहा, लेकिन और शायद यहां पर रेफरी का सिग्नल कॉर्नर की का उन्होंने संकेत दिया है, क्योंकि पहले भी बातें कर चुके हैं रेफरी डिसीजन इज लास्ट डिसीजन और पूरी तरह से डिसीजन को अपनाते हुए, और इस बीच यहां पर ट्री पोच के कॉर्नर की का मौका मिलेगा, तो देखते हैं किस प्रकार की कॉर्नर रहेगी। एक इन स्वीट शॉट करना होगा मनोज जी अपने टीम को बढ़त दिलाने के लिए, काफी मैदान में हमने देखा है कॉर्नर की पूरी गोल में कन्वर्ट होते हुए, देखिए यहाँ पे अधिक गोल के लिए इसको जाना जाता है कॉर्नर किक को, तो यहाँ पे एक अच्छी उछाल की जरूरत है गेंद के लिए, लेकिन देखना होगा यहाँ पे गेंद स्विंग सा स्वरूप लेकर के पूरा ही मैदान से बाहर के लिए गई थी, लेकिन फिर और एक मौका मिलता हुआ ड्रीमोज की टीम को पहला हाफ के इस वक्त। जी हाँ, इस बार एक अच्छा, दूसरी बार गेंद को सही मायने में देखा जाए तो ना टॉल के शॉट यहाँ पे लिया गया था, तारीफ करनी होगी यहाँ पे ट्रेन देश के एक खिलाड़ी के द्वारा जो कॉर्नर शॉट के लिए उस पर विश्वास या रास्ता को बनाया गया था, लेकिन फिर से एक फाउल फ्री किक के साथ तीसरी बार मौका ले रहे हैं, तीसरी बार मौका लेते हुए ट्रेन देश के ये खिलाड़ी धीरे से गेंद को यहाँ पे ढकेला है, लेकिन उतनी ही अच्छी गेंद पहल थोड़े से मुस्कुराहट का यहाँ पे अपना जो अंदाज दिखाए
ये बच्ची थी, लेकिन गोलपोस्ट का ये ऊपर का जो बॉल है वहां से लगभग 1 सेंटीमीटर ऊंचाई से होती हुई गेंद बाहर गई, गोलकीप के लिए मिलता हुआ कुमिल्ता टीम के पक्ष में। सूरज जी बिल्कुल, यहाँ पर ओरिजिन सीरीज के फासला हम कह सकते हैं, यहाँ पर अगर थोड़ी सी निचले क्रम पर होती तो जरूर गोल आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुमिल्ता को भी बचकर खेलना होगा क्योंकि उनका जो सामना हुई है ड्रीम बॉच कुमिल्ता। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा अब कुइयन को ध्यान देगा निशी कुई को जो गोल पोस्ट जाना पा रहा था के नहीं अब पंडाले थे लेकिन कुछ पा जाना बोझ हो गया आपके अलग इस जगह सुरक्षित मिला कोई उनको इतार के रूप से कहा कर गया आप नुपा तोड़ पाते फिर अगले बड़ी एक आश्चर्य लो एना मैं देखा जी को बुरी क्या काजी को अपयम कह जो भी महिला वर्ग के जो दर्शक आए हैं आप लोग मंच के बाई ओर पर चले आए आप लोग इजिली मैच का आनंद ले सकते हैं। तो चलते हैं कुछ बार इस बार पहली बार गोल की खोज में, जैसे कहते हैं कुछ कर ऐसा हर कोई करना चाहे आपके जैसा। साउंड सिस्टम ऑपरेटर, साउंड सिस्टम, कल इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन रहेगा जो कि कल इस मैदान में शाइनिंग स्टार क्लब कुमराम की ओर से काफी विचार विमर्श करने के बाद बातचीत करने के बाद ये फैसला किया गया है कि कल 16 टीमों का खेल का आयोजन किया गया है। 16 टीम के साथ साथ बेस्ट अट्रैक्शन के तौर पर आकर्षक आयोजन ड्रामा का भी आयोजन किया गया है। इसलिए मैं दोस्तों बताते चलूं कल इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन रहेगा जो कि कल फुटबॉल खेल के साथ साथ ड्रामा का भी आप आनंद ले सकते हैं क्योंकि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ड्रामा किया जाएगा। आप खेल के साथ साथ ड्रामा का भी आनंद ले सकते हैं क्योंकि प्रशासन की उस समय सूचना प्राप्त हुई है नाइट फुटबॉल की टीम को यह प्रोग्राम रखा गया है। इसलिए अनुरोध रहेगा तमाम दर्शकों से जिस प्रकार से आप आज आए हैं खेल का आनंद लेने के लिए कल भी अधिक से अधिक संख्या में आए खेल का मजा लेने के लिए और ड्रामा का आनंद लेने के लिए। इस बार मैच में हम सब में जारी है मनोजिया देख सकते हैं कांटेदार मुकाबला, इस बीच एक खिलाड़ी थोड़ा सा इंजुरेड होते हुए चोट पहुंचाना ये एक अच्छा खिलाड़ी होने का सही संदेश नहीं होता है और इस तरह का विचार को अपने मन में बनाए रखना यह अनुचित होता है। तो चलिए नौटंकी वाला काफी हेलो हेलो साउंड सिस्टम ऑपरेटर थोड़ा सा साउंड को क्लियर करें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है साउंड साड़ी पे बाबू अबे जहाँ पर हम नाम लोग मस्त है झूले रहो और इस बार देखिए यहाँ पर ड्रीम बॉच की क्लास इस बीच ड्रीम बॉच की खिलाड़ी कॉर्नर की का मौका जैसे नंबर 10 ने 14 नंबर के पास 14 नंबर के खिलाड़ी बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के आसपास एक खिलाड़ी को बीट किया लेकिन इस बीच फाउल के संकेत जैसे नंबर 14 पर दबाव बनाते हुए। और जहां तक मेरा मानना है मनोज जी आप अच्छी तरह से जानते हैं आपको वाकई में फुटबॉल खेल में जो फाउल की करारें होती है बहुत सी प्रकार की होती है, एक जानबूझ कर किया जाता है और एक अनजाने में की जाती है, इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए जानबूझ करके आप अगर कर रहे हैं चाहे या फिर अनजाने में चलिए हो जाता है ये अलग बात है, लेकिन आप जो मैच रेफरी की नजर से नहीं बच सकते हैं वो कभी कभी होता क्या है कि आप अगर गलती होगी तो क्या होता है कि आप अपना हाथ को उठा करके संकेत दे दिए कि मैं मुझसे भूल हुआ तो उसे स्वीकारा भी जाता है, लेकिन अगर आप गलती से कर रहे हैं जो कि आपके पास ये घटिया विचार है तो आप इतने सारे भीड़ में इतने लोग हैं इतने सारे भीड़ में लोगों की नजर से भी हेलो विजय सूचना मुर्गा पारा बांध गया मुर्गा पारा का चलावना है कमेटी रे निर्णय बिना ची मुर्गा पारा हवा डाबा नीना को कहा रहना अगर ओके पे चला मेरा नीना साधे आम लोग कमेटी पे साझा ले माफिया और
बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों को। और इस बार की दर्शकों हो चुकी है दोस्तों, एक फाउल किक का मौका मिला मनोज जी, बिल्कुल आपने देखा हमारे मंच के आसपास से हरियाली को देख क्लब कुमरी ताकू जशन पर नो ने एक शानदार फ्री किक लिया। गोलकीपर बेचारा पेड़ की टच आउट करने की कोशिश लेकिन नाकार, और इसी के साथ एक गोल के साथ आगे बढ़ चुकी है हरियाली स्पोर्टिंग क्लब कुमरी ताकू। क्या कहना चाहेंगे इस फ्री गोल के बारे में? ये गेंद जिस तरह से डाली गई थी यहाँ पे लंबा जो सोच था वो भी रंग लाया, और जो अनुमान की गई थी ये भी काम कर गया, क्योंकि गोलकीपर को लग रहा था कि वो हाथ के सहारे इस गेंद को विफल कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और गेंद समा गई नेट में, और इसी के साथ एक गोल का व्रत मिलता हुआ कुमलता की टीम को। और देखते हैं मनोज जी इस बार ड्रीम बॉल्स की अपने टीम के लिए कमबैक कर पाएगी या नहीं, हमारे लिए भी गहरा जल्दबाजी हो सकता है क्योंकि उनके पास वक्त बहुत ही कम है। मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती जैसे कहा जाता है, और मैं तो यही कहना चाहूंगा समय अनुसार आपको काम को अंजाम देना होगा। काफी कम समय है लेकिन इस बीच ड्रीम बॉल्स को एक कॉर्नर की का मौका मिलेगा, और कई देखिए हर बढ़ाते हुए उन्होंने पास खेल चुका है अपने साथी टीम के लिए। इस बार दूरी से शूट आउट उन्होंने की है राइट विंगर के लिए, लेकिन बॉल और खिलाड़ी के संपर्क काफी दूर रही और बॉल चले गई गोल लाइन से बाहर। और इस मैच के बाद कुछ देर ब्रेक लिया जाएगा, उसके बाद सेमीफाइनल का नेवल के लॉजिक सेमीफाइनल का मुकाबला किया जाएगा, उसके बाद आज का आखिरी मुकाबला फाइनल मुकाबला की जाएगी, जो कि जिस प्रकार से हमें सूचना प्राप्त हुई है शाइनिंग स्टार क्लब कुमराम की ओर से। और इसी बीच मैं बताते चलूं खेल तो जारी रहेगा, आप सबों की जानकारी के मुताबिक मैं बताना चाहूंगा हमारे बीच इस मंच पर इस टूर्नामेंट को और भी चार चांद लगाने के लिए मंच पर उपस्थित रहेंगे हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर, उनकी सूची हमारे कमेंट्री बॉक्स पर आ चुकी है, और उन महान हस्तियों का नाम मैं काफी शिद्दत के साथ लेना चाहूंगा जिनकी अगुवाई में आज का फाइनल मुकाबला शुभारंभ की जाएगी। जी हाँ, उनका नाम इस प्रकार से मैं लेना चाहूंगा, हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारने वाले हैं अतिथि श्री जोहार प्रखंड अध्यक्ष JMM, उनके साथ में मंच पर विराजमान होंगे श्री बालेश्वर हेब्रम कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष तांत्रगर, उनके साथ में मंच पर मंचासीन होंगे हमारे बीच में श्री जितेंद्र पूर्ति प्रखंड अध्यक्ष मंझारी JMM, उनके साथ में हमारे मंच पर उपस्थित रहेंगे श्री शैलेंद्र पूर्ति पूर्व मुखिया तांत्रगर पंचायत के, उनके साथ में मंच पर प्रेजेंट रहेंगे हमारे बीच में हमारे मंच को और भी शोभा बढ़ाने के लिए श्रीमती बालिमा कुई वर्तमान में मुखिया तांत्रगर पंचायत, जो कि उनके जीवन साथी उनके हम सफर उनके जीवन साथी श्री नरेंद्र भिरूली जी के साथ मंच पर उनकी भी अगुवाई की जाएगी। मंच पर उपस्थित रहेंगे श्री गणेश बारी पत्रकार प्रभात खबर से बिलोंग करते हैं, उनके साथ में मंच पर विराजमान है हमारे बीच में श्री हरि को पत्रकार दैनिक जागरण, और मंच पर उपस्थित है श्री आनंद शांति पत्रकार दैनिक भास्कर। तो हमारे ये प्रेस रिपोर्टर हमारे दैनिक भास्कर दैनिक जागरण और प्रभात खबर से ताल्लुक रखने वाले हमारे प्रेस रिपोर्टर भी हमारे मंच पर उपस्थित है, और इन सबों का मैं पुनः एक बार तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपका स्वागत है, आप हमारे मंच पर विराजमान होने का कष्ट करें। मनोज सर एक अच्छा यहाँ पे समीकरण बनता हुआ खिलाड़ी के द्वारा जद्दोजहद का भी परिचय देते हुए, जो ड्रीम बॉयज की टीम की खिलाड़ी है हसरतें कुछ और है, कोशिश भी की जा रही है लेकिन सफल होते होते वो नहीं हो पा रहे हैं, और इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, और तालमेल की अगर यहाँ पे सिचुएशन को हमेशा बना के रखा जाए तो ड्रीम बॉयज की टीम को भी एक गोल मिल सकती है। देखना होगा ये गेंद फिलहाल सेंटर लाइन के आमने सामने, करना चाहे थे एक दूसरी गोल
को प्राप्त करने के लिहाज में कुमृता दिल के ये खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए, लेकिन मौजूद चापल्टी के मुख्य डिफेंडर और वो भारी पड़ते हुए नजर आए। फिलहाल यहाँ पर ड्रीम बॉयज की टीम के खिलाड़ी के पैरों में गेंद और धीरे धीरे गेंद में एक अच्छा शॉट, लेकिन गोलकीपर की भी बहुत बड़ी तारीफ करनी होगी यहाँ पे, जो सनसनाता हुआ गेंद गई गोल पोस्ट में और नंबर दो पारी का भी एक नजरिया को हमें देखने को मिला, लेकिन गोलकीपर इस गेंद को समझ पाने में पूरा पूरा लाभ लेते हुए नजर आए। बिल्कुल अच्छे गोलकीपर है, स्टार अनुभव की कमी नहीं है, और जिस प्रकार से यहाँ पर धोनी से शूट आउट लिया गया था उन्होंने पंच आउट कर दिया, बॉल बात उनके लिए खतरा हो सकती है, लेकिन आपने पेनाल्टी जोन के क्षेत्र से कुमृता के खिलाड़ी ने बॉल को रिलीज किया। अपने दमखम से वो जानते हैं, एक रणनीति तैयार कर चुके हैं, किस मैच में जीतना है तो हमें किसी भी कीमत पर समय को नष्ट करना होगा, बॉल को क्लियरेंस करना होगा। इस बार गोलकीपर के छोड़ा, गोलकीपर ने बॉल को इजी कैच करने के बाद अपने सपोर्टर को ढूंढते हुए उन्होंने थ्रो कर दिया है जस्ट नंबर 11 के लिए। 11 नंबर के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में रखने से पहले उन्होंने बॉल को रिलीज कर दिया जस्ट नंबर 7 के लिए, राइट विंगर राइट फॉरवर्ड एवं राइट स्पिनर के खिलाड़ी पुनः एक बार फॉरवर्ड जस्ट नंबर 12 के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी। मनोज जी मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि उनके पैर में काफी स्किल भरा है, लेकिन इनके बाद थोड़ी सी गलत बात इस बार जस्ट नंबर 10 ड्रीम वॉच अपने सपने को साकार करने के लिए हकीकत में बदलने के लिए निकल पड़े हैं इस मंजिल की ओर, लेकिन उनके द्वारा भी जल्दबाजी में गलत पास। और हम तो यही कहना चाहेंगे अगर आप बराबरी चाहते हैं तो कम्युनिस्ट एक तालमेल की आवश्यकता है। इस बार कमलेश शानदार शॉट पास जस्ट नंबर 7 के लिए, 7 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को चेस्ट आउट करने की कोशिश, लेकिन बॉल और पांव के अच्छे संपर्क नहीं, लेकिन उन्होंने पुनः एक बार दौड़ लगाने के बाद बॉल को काबू में किया 9 नंबर के पास। 9 नंबर ने पिछले मैच में एक शानदार गोल किया था अपने टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चढ़बड़ कर खेल का नमूना पेश करते हो आप देख सकते हैं। कुमृता के खिलाड़ी जो कि कुमाडू की प्रखंड की टीमें हैं और कुमाडू के क्षेत्र में नहीं बल्कि मजगांव जगनाथपुर या हटगमरी हर क्षेत्र में ये टीम पार्टिसिपेट लेती है, माझारी जैसे ग्राउंड में उनका अच्छी दबदबा रही है। लेकिन इस बार 9 नंबर ने एक खिलाड़ी को पीट किया, क्या आप उनका इस्तेमाल करेंगे? उन्होंने एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद तेजी रफ्तार से साथी टीम के लिए बॉल बनाने की कोशिश, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी में गड़बड़ी। और इस बार दृष्टि नंबर 14 टाई हो सकता है और उन्होंने बोल को बढ़ा दिया है प्लेयर का सारा। इस बार दृष्टि नंबर 10 राइट फोरक की भूमिका अदा करते हुए क्या शॉट करेंगे? उन्होंने शूट आउट कर दिया लेफ्ट विंगर के लिए, क्या हो सकता है? उन्होंने टाइमिंग भरा शॉट लगाया था लेफ्ट विंगर के लिए, जस्ट नंबर 8 के लिए साथ 8 नंबर के खिलाड़ी ने अपने पैरों के माध्यम से हल्की टेकल करने की कोशिश, लेकिन बॉल और पांव के अच्छे संपर्क नहीं और बॉल चली गई गोल आउट के बाहर। तो हमें मैच अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम समय पर चलती हुई और इस गोल सिचुएशन को कन्वर्ट करने के लिए जो बची हुई समय है यहाँ पर काफी कोशिश जरूर लगाना होगा जो कि ड्रीम बॉयज के टीम खिलाड़ी को। मनोज समय बहुत महत्वपूर्ण किसी भी टीम के लिए है और यहाँ पे देखना होगा, और इस समय के साथ भी हमेशा जो कि टीम जो है जूझ रही है, और इसके पहले भी अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम उल्लेख कर देना चाहेंगे उस टीम की जो एक गोल के साथ वो टीम फाइनल का रास्ता को वो देखी है, तो इस जो दूसरा सेमीफाइनल में भी जो टीम खेल रही है इनके पास भी अब तक वही आंकड़ा है और धीरे धीरे मैच जो है अंतिम मैदान की ओर बढ़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे किसी एक टीम को खेल के माध्यम से ही जो है हार का निराशा उनको देखना पड़े और आखिरकार यहाँ पे मैच समाप्त हो गई एक गोल का।